ओके स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट्स, इजी लॉज हैं और ये आ जाएंगे आपके एमसीक्यू में या 2 मार्क्स क्वेश्चंस में। ठीक है, तो एक सेट पहला देख लेते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ, जहां पे हमें प्रूव करना है यूजिंग सर्टेन एलिमेंट, तो एलिमेंट से प्रूव कर लेंगे, अदरवाइज एक जनरल एलिमेंट ले लेंगे। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। सिंपल सी बात है, अगर मैंने एक सेट ले लिया ए कंप्राइजिंग ऑफ 1 2, तो अगर मैं ए का यूनियन अपने आप से ही कर रहा हूँ तो डेफिनेटली जो रिजल्ट आएगा वो ए ही तो आएगा, 1 2 ही आएगा। या मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ तो भी, अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए कर रहा हूँ तो दोनों ही एलिमेंट आएंगे, अल्टीमेटली एक ही सेट आएगा ये, राइट? तो इसका मतलब यही ए है और यही ए है, इट इज सेम। तो ये आइडेम्पोटेंट लॉ हुआ, इसमें कुछ ऐसा प्रूव करने को है नहीं अभी, बट आपको मालूम होना चाहिए एंटी लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ होता क्या है। सेकेंड लेते हैं लेटर से, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ इसमें भी ये कहता है कि एक एलिमेंट जो है या सेट, इसका एलिमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम एलिमेंट जो है सेट की बात कर रहे हैं ए। तो हमने कहा कि ए का अगर हम यूनियन करते हैं नल सेट से तो रिजल्ट ए ही आएगा, और ए का इंटरसेक्शन करते हैं यूनिवर्सल सेट से तो ए ही आएगा। तो फिर हमने ए जो एलिमेंट ए माना हुआ है, ए सेट तो हमने माना हुआ है 1 2, और एक बी सेट है दैट इज इक्वल टू नल सेट, तो अगर मैं ए यूनियन बी करूंगा तो मेरा रिजल्ट तो 1 2 ही आएगा, दैट इज इक्वल टू सेट ए। और अगर मैं ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से करता हूँ, सो लेट अस से एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं जो कि 1 2 3 4 है, ऐसा ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ए को यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्ट करता हूँ, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो हम तो देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही एलिमेंट कॉमन है जो कि ए के अंदर हैं, तो ये रिजल्ट आ गया ए। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि आइडेंटिटी लॉ होता क्या है, तो ये होता है और ये होता है। सिमिलरली आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, तो एमसीक्यू में पूछेंगे जनरली कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए, विच लॉ इज दिस, आइडेंटिटी लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ में तो हमें एक से ज्यादा सेट चाहिए होंगे। कम्यूटेटिव लॉ तो ये कहता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अगर प्रूव करना है तो प्रूव करने की कोशिश कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को सिमिलरली सेकेंड हो जाएगा, पर ये हमें आना चाहिए। इसमें कोई एलिमेंट मान लिया, लेट अस से लेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी, राइट? या एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी, इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए और बी करूं या बी और ए करूं तो मतलब तो एक ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी और ए। तो ये हमें मालूम चल गया कि ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। सिमिलरली अब हम इधर का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट अस से इट इज वाई, इधर का एलिमेंट हमने ले लिया वाई, तो सिमिलरली लेट वाई इज एन एलिमेंट ऑफ बी यूनियन ए। इट सिंपली मीन्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ बी और वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इसका मीनिंग है वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए और वाई इज एन एलिमेंट ऑफ बी,
इसका मीनिंग सिंपल सा है, वाई देन एलिमेंट ऑफ ए और बी। देयरफॉर हमने ये शो कर दिया कि जो ये बी यू ए है, इट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो हमने ए यूनियन बी अ सबसेट ऑफ बी यूनियन ए एंड बी यूनियन ए सबसेट ऑफ सी, ए यूनियन बी। देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हुआ कम्यूटेटिव लॉ, पर हमें आना चाहिए। नेक्स्ट हो गया हमारे पास, लेट अस से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या पहले एसोसिएटिव लॉ कर लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ, राइट, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में तो हमें कम से कम तीन एलिमेंट चाहिए होंगे, तीन सेट्स चाहिए होंगे। नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए, लेट अस से नॉन एम्प्टी, तभी हम टेस्ट कर पाएंगे। नॉन एम्प्टी, तो पहला प्रॉपर्टी हमने ले लिया कि अगर हमने ए यूनियन बी पहले ऑपरेट किया और फिर से सी के साथ ऑपरेट किया, वो इक्वल होगा कि पहले हमने बी और सी को ऑपरेट किया और उसे ऑपरेट कर लिया फिर ए के साथ, या हमने इंटरसेक्शन किया हुआ है तो पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी किया, इंटरसेक्शन किया उसका सी के साथ। इस सिंपल कि पहले आपने बी इंटरसेक्शन सी किया और उसको आपने ऑपरेट कर लिया ए के साथ। तो लेट अस टेक सेकेंड, सेकेंड वाला ले लेते हैं यहाँ पे केस। तो प्रूफ किसके लिए, सेकेंड वाले के लिए प्रूफ कर लेते हैं एक बार। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली आप फर्स्ट के लिए भी प्रूव कर लोगे, कोई इशू नहीं है ऐसा, इजी है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेशंस हैं ऑपरेशंस आर सेम, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। सो लेट, जैसे हम हमेशा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मीनिंग है एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी। इसका सिंपल सा मीनिंग है एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी, तीनों में एंड है। तो रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए हमें लाना क्या है, तो हमने एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए को तो इधर छोड़ दिया, बीच में एंड को ऐसे ही लिख दिया और इन दो पोर्शंस को हमने एंड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास तो जो राइट हैंड साइड है वो बन रहा है, ये बन रहा है, ये वैल्यू एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड सी। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ क्या आ गया, ए एंड बी एंड सी। इसका मीनिंग ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये तो आधा पार्ट हुआ। अब आधा पार्ट दोबारा करते हैं, यहाँ का कोई एलिमेंट लेंगे और उसे शो कर देंगे कि वही एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड का भी आया है। तो करते हैं, ओके तो स्टार्ट कर दिया लेट। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, लेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मीनिंग है एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी। इसका सिंपल सा मीनिंग है हमें क्या प्रूव करना है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ठीक है, दोनों क्लब कर देंगे, तो इसका मतलब एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी। इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी
एंड सी, राइट। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया है, तो आर एच एस आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ये जो लिखा हुआ है ये साइड आ गया। तो इसका मतलब हमने स्टार्ट किया था यहां से और हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। देयर फोर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, और ए जरा सबसेट ऑफ किसका, हमने कहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, तो ठीक है, इट इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए और हमने ये भी प्रूव कर दिया, और पहले हमने प्रूव किया था लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए राइट हैंड साइड पे। देयर फोर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हैंस प्रूव। ठीक है, तो ऐसे इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये हमें आना चाहिए। इसमें ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी, एसोसिएटिव लॉ इसलिए इजी है बिकॉज हमारे पास क्या है, जो ऑपरेशंस हैं दे आर सेम। अगर यहाँ पे भी वही ऑपरेशंस हैं, हमने सिर्फ ब्रैकेट को चेंज किया है, हमने सिर्फ पहले ऑपरेट किसको करना है वो किया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ये इसमें भी हमें कम से कम तीन सेट्स चाहिए। तो अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया इसको, लेट अस से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वलेंट टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और सेकंड है इसका पार्ट कि अगर ए इंटरसेक्शन किया हुआ है बी यूनियन सी के साथ, तो हम इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यूनियन के साथ। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो किसी एक को प्रूव कर देते हैं, लेट अस से फर्स्ट वाले को हमने प्रूव कर दिया, राइट। तो फर्स्ट वाले को हम प्रूव करने जा रहे हैं, किसको, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, तो फिर वही चीज यहां से स्टार्ट करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे एक्स, यहां का एक एलिमेंट लेंगे एक्स, और प्रूव कर देंगे कि वो यहां का एलिमेंट आ जाएगा। सो सॉल्यूशन या प्रूफ, लेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मीनिंग है लेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी। ठीक है, और को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड के ऊपर, तो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड ये जो एंड है वो इधर आ गया, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी, राइट। इसका मीनिंग है एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और बी एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और सी। ठीक है, तो लिख लिया यहां पे, फिर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। तो हम चले थे लेफ्ट हैंड साइड से और हम आ गए राइट हैंड साइड में, तो यहां से मैं क्या मालूम चल गया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। तो ये हाफ पार्ट हो गया हमारा। अब अगर हाफ करना है तो हम यहां से एक एलिमेंट लेंगे और हम पहुंच जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो अदर पार्ट करते हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम और करते करते हम इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो
तो इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी, जो लिखा हुआ है इसी को लिखा है इधर। तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए राइट, और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी। अब यहाँ पे ऑरिंग है, यहाँ पे एंडिंग है, ये एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए आ रहा है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए राइट। तो अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी राइट। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड सी। इसका मीनिंग ये हुआ, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी एंड सी। तो हमने स्टार्ट किया राइट हैंड साइड से और हम पहुंच गए लेफ्ट हैंड साइड में, देयर फोर ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमने दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है, इट इज इक्वल टू दिस। तो ये हमें हैंस प्रूव्ड, तो ये हमें ध्यान रहनी चाहिए ठीक है कंडीशंस। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये हो गया, तो ये जो लॉज हैं, लॉज तो हमारे पास यही हैं। अब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं या थ्योरम्स प्रूव करते हैं अभी हम यहाँ पे, तो थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूव करेंगे।